हेलो स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं फॉर्मल चार्ज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आखिर देखो, फॉर्मल चार्ज होता क्या है? अगर इसकी बात करें फॉर्मल चार्ज की, तो फॉर्मल चार्ज जो कि एक तरह से वह फैक्टर होता है, और जो फैक्टर है उसी को फॉर्मल चार्ज कहा जाता है। देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल्स की बात किया जाए तो उस मॉलिक्यूल्स में धन आयन या ऋण आयन होता है, और अगर उस मॉलिक्यूल्स के अगर लुईस स्ट्रक्चर की बात किया जाए, इस तरह से लुईस स्ट्रक्चर की, तब लुईस स्ट्रक्चर में होता क्या है, जो कोवेलेंट बॉन्ड या शेयर करने से जो बॉन्ड बना रहता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो जो मॉलिक्यूल्स होता है, उस मॉलिक्यूल्स में एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन साइड एटम को दे दे, तब उस मॉलिक्यूल्स पर जो कि चार्ज क्रिएट होता है उसी को जो कि फॉर्मल चार्ज या औपचारिक आवेश कहा जाता है। हमें पता है जब लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो लुईस स्ट्रक्चर के लिए क्या करते हैं, जो कि या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या उसके साथ साथ जो कि मल्टीपल एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है, जिस पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होता है, और इस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को जो कि परिणामी आवेश कहा जाता है। लेकिन उस पर जो प्रेजेंट होता है कोवेलेंट बॉन्ड, वह कोवेलेंट बॉन्ड अगर दूसरे एटम को अपने साझेदारी के एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, तब उस कंडीशन में उस पर चार्ज लगता है, उसे जो कि फॉर्मल चार्ज कहा जाता है। इनको अगर एग्जांपल के थ्रू समझे इस तरह से, तब होता क्या है, अगर O3 की बात कर ले, अगर O3 की बात करें तो O3 को इस तरह से लिखा जाता है, इसमें जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पर जो कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से सिक्स होता है, यहां पास भी इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो इस पर भी जो इलेक्ट्रॉन जो कि सिक्स होता है, ऑक्सीजन पर भी यहां पास जो है ऑक्सीजन, उस पर भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह सिक्स होता है। अगर ए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनके साथ शेयर कर लिया अपनी इलेक्ट्रॉन, तब उस कंडीशन में इसके पास सात हो गए हैं। यहां से फिर से अगर शेयर कर ले, उस कंडीशन में ये तो कंप्लीट हुआ लेकिन ये दोनों कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर से अगर बात कर ले, यहां से फिर से शेयर कर लेता है, उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल्स एक कंप्लीट हुआ है और एक कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो फाइनली इनकी स्ट्रक्चर जो कि इस तरह से होता है, और इस तरह से स्ट्रक्चर होता है तो आखिर क्यों यह स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर इनकी बात करें, देखिएगा यहां पास इस तरह से हो रहा है, इस पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू होता है, यहां पास भी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू है, यहां पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यह थ्री रहता है। यह जो कि राइट स्ट्रक्चर है और यह जो कि रॉन्ग है इसकी स्ट्रक्चर। तब देखिए हो क्या रहे हैं, अगर इसकी बात करें, इस पर जो इलेक्ट्रॉन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनकी बात किया जाए तो इस पर भी सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, इनकी भी बात करें तो यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहां से जो एटम है अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया है, क्योंकि इसके ऑक्टेट को तो फिर कंप्लीट करना है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देखिए क्यों दिया है, अगर इनकी ऑक्टेट की बात करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन रहा, इनकी बात करें तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये तो ठीक रहा ऑक्टेट रूल अकॉर्डिंग। इनकी बात करें इस ऑक्सीजन की, तो इस ऑक्सीजन में जो नंबर ऑफ ऑक्टेट है एक दो तीन चार पांच छह सात, सात रहा, यहां पास नौ इलेक्ट्रॉन है, यहां पास सात इलेक्ट्रॉन है, यहां पास आठ इलेक्ट्रॉन है, चलिए यह तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर इन दोनों की बात करें तो यह वाला अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, उस कंडीशन में यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और जो कि इसके जगह में चले गए, तब यह भी आठ हो गया और यह भी आठ हो गया। तो इसी तरह से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है उस कोवेलेंट बॉन्ड का शेयरिंग कर देता है या डोनेट कर देता है, जिसके वजह से उस एटम पर एक चार्ज क्रिएट होता है, एक फैक्टर बनता है, उसी को जो कि फॉर्मल चार्ज कहा जाता है। अगर इनकी बात कर दें, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है तो इनकी फॉर्मल चार्ज जो कि जीरो है, यह एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहां पर प्लस वन इसकी फॉर्मल चार्ज है, यह जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इस कंडीशन में इसकी जो फॉर्मल चार्ज है वह जो कि माइनस वन है।
तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज होता है। और अगर फॉर्मल चार्ज को काउंट करें, देख फॉर्मल चार्ज की अगर इंपोर्टेंस की बात करें, इस तरह से इनकी इंपोर्टेंस बात करें कि आखिर फॉर्मल चार्ज को पढ़ क्यों रहे, तो जो फॉर्मल चार्ज होता है वह कोई जो मालिक्यूल्स होता है उस मालिक्यूल्स के जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है उसे स्थाई बनाने या स्थायित्व बताता है। ये जो कि इसकी फॉर्मल चार्ज की बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। देखिए वैसे तो फॉर्मल चार्ज की बात करें तो इसके लिए कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला भी होता है, और इस फार्मूला को इस तरह से देखें कि यहां पर फॉर्मल चार्ज हमको निकालना है, और फॉर्मल चार्ज में सबसे पहले अगर देखेंगे तो फॉर्मल चार्ज में जिस एटम की फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं उस एटम की जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, और उस एटम जिसकी फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं उस पर जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाएगा, फिर माइनस कर ले तो वहां पास उसकी जो कि बॉन्डिंग देखेंगे, और बॉन्डिंग देखने के लिए इस तरह से 1/2 मल्टीप्लाई बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इस तरह से फॉर्मल चार्ज की फार्मूला बनाता है। इनकी बात करें तो यह जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जिस कंपाउंड की निकालना है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो यह जो कि जिस एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स में जिस एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है उसकी जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और वैसे ही अगर बीपीई की बात कर ले तो यह जो कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस तरह से इसकी फार्मूला हो जाता है। अगर इस तरह से देखे यहां पास अगर नंबरिंग आता है माइनस है, और यहां पर भी माइनस है, और माइनस और माइनस जो कि क्या होता है प्लस होता है, तो इस तरह से इसकी फार्मूला को एक और बनाया जा सकता है। कैसे, यहां पर फॉर्मल चार्ज लिख दे इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और यहां पास एक्स माइनस वाई है और माइनस जो कि प्लस हो जाता है, एक्स माइनस वाई प्लस यहां पास क्या हो गए जो कि माइनस और माइनस प्लस हो गए, और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी जगह रख दे तो इस कंडीशन में जेड माइनस टू भी लिख दे, ये भी फॉर्मल चार्ज का ही फॉर्मूला है। यहां पर एक से इज इक्वल टू अगर बात कर ले तो एक से इज इक्वल टू जिस एटम की जो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। वाई इज इक्वल टू अगर बात कर ले तो जिस एटम की जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वह रह जाएगा, और जेड इज इक्वल टू जिस एटम की जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वह इस तरह से रह जाएगा। अब हम लोग क्या बोले हैं कि इन दोनों स्ट्रक्चर में यह स्ट्रक्चर जो कि सही है और यह जो कि अपने आप फिट कंप्लीट नहीं कर पाए इस वजह से जो कि गलत रहा। तो इसके अगर फॉर्मल चार्ज की बात करें तो देखो फॉर्मल चार्ज की एक और बात कर ले, आखिर इसकी नोट क्या है कि फॉर्मल चार्ज जो रहता है उस पर जो एटम निकलेगा उस एटम पर या उस मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मल चार्ज है वह जीरो होने से उनकी स्टेबिलिटी बहुत ही अधिक होता है, और मॉलिक्यूल्स में रिजोनेंस उसकी स्थायी स्ट्रक्चर बनाता है। तो स्थायी स्ट्रक्चर कैसे बताता है कि अगर जो एटम निकाल रहे हैं उस एटम में जितना निम्नतर एनर्जी आएगा निम्न ऊर्जा आएगा, और जितना ही निम्न ऊर्जा आएगा वही उसकी स्टेबल स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा होता है। तो निम्न ऊर्जा आने से उसकी स्थायित्व तो जो बढ़ता है, और नोट ये है कि उस पर जो फॉर्मल चार्ज जो कि जीरो आना चाहिए, और जीरो आने से उसकी स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर या स्टेबल स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा बनाता है। तो इस तरह से रिजोनेंस में हम लोग इसकी डिफरेंट बता सकते हैं। चलिए अगर इस कंपाउंड की अगर फॉर्मल चार्ज की बात कर लें, O3 की फॉर्मल चार्ज की बात करें तो इसके पहले जो कि O3 स्ट्रक्चर इस तरह से बनाए थे, यहां पर डबल बॉन्ड था, यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो है, यहां पर सिंगल बॉन्ड, और यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि तीन था और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक था, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन था वह इलेक्ट्रॉन इस तरह से इनको दे दिया था इस ऑक्सीजन को। तो अगर इसको ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट ले ले, ऑक्सीजन नंबर सेकेंड,
इस तरह से ऑक्सीजन नंबर सेकेंड, और इसको जो कि ऑक्सीजन नंबर सेकेंड ऑक्सीजन नंबर थर्ड ले ले। तब इस कंडीशन में अगर इसकी फॉर्मल चार्ज निकालें तो देखिए निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। सबसे पहले अगर ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट की बात कर लें, यहां पर जो ऑक्सीजन है इनकी बात कर लें फर्स्ट नंबर ऑक्सीजन की, तो देखिए इस फार्मूला क्या निकाले थे हम लोग अभी जस्ट, जो कि एक्स वाई अगर निकाल ले तो एक्स माइनस जो कि वाई प्लस जेड माइनस टू अपॉन टू इस तरह से निकाले थे, या तो इसी को फॉर्मल चार्ज इस तरह से भी निकाले थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो कि वन बाई टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले थे, और इस माइनस माइनस का मतलब जो कि प्लस चार्ज हो गया था। चाहे आप इसको लिखो चाहे इनको लिखो दोनों का मतलब जो कि सेम होने वाला है। चलिए हम लोग इनकी बात कर ले जो कि 60 हो जाता है यहां से इनके कंपेयर में जो कि 60 कट में आ जाते हैं इस पर। तो देखिए यहां पर अगर बात कर ले फॉर्मल चार्ज की इस ऑक्सीजन की, तो इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज होगा क्या, सबसे पहले इस ऑक्सीजन पर जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, जो कि हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर 6 होता है, तो एक्स इज इक्वल टू 6 आ गया। माइनस जो कि अगर वाई की बात कर ले, वाई जो कि क्या बताता है बोले थे इसके पहले, वह जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, तो वहां पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा तो यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एक लोन पेयर दो लोन पेयर यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि यहां पर 4 रहा। अब यहां पर अगर इसकी बात कर ले तो यहां पर माइनस लिख दे माइनस एक बटा दो गुना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस पर जो एक और दो बॉन्ड है और बॉन्ड में जो कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है तब वहां पर चार इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से आ जाएगा। अगर इनकी फिर से बात कर ले इनको चाहे ऐसे लिखे या इस तरह से लिखे, तो देखिए इसी में लिख लेते हैं अभी, तो यहां पर 6 माइनस 4 यहां पर इनके साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो यहां पर 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 माइनस जो कि 2 रह गए, और यहां पर हमें पता है माइनस और माइनस जो कि प्लस होता है, तो इस कंडीशन में इसकी फॉर्मल चार्ज जो कि 0 आ जाता है, इनकी फॉर्मल चार्ज 0 रहा। अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखे फिर भी वही होने वाला है, इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की 6 होता है माइनस वाई यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि उस पर 4 है प्लस इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि 4 है बटा 2, तो इस कंडीशन में इसकी 2 आ गए 2 2 4, और इस कंडीशन में 4 2 6 माइनस 6 इज इक्वल टू इनकी भी जो फॉर्मल चार्ज है वह जो कि 0 रहा। ऑक्सीजन नंबर सेकेंड की बात कर ले आखिर इसकी फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, तो ऑक्सीजन 2 की बात कर ले तो ऑक्सीजन 2 में अगर बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि 6 रहा माइनस उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर जो कि 2 है, फिर से माइनस यहां पर, या तो इसको कोष्टक बंद कर दे और यहां पर प्लस लिख दे, इस पर जो कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 4 6 है 6/2 आ जाता है, इस कंडीशन में आपस जो कि 3 रह जाएगा, ये दोनों जोड़कर 5 हो जाएगा, यहां पर 6 माइनस 5 इज इक्वल टू जो कि माइनस प्लस 1 रह गए, तो इनकी जो फॉर्मल चार्ज है प्लस 1 है। थर्ड नंबर ऑक्सीजन की बात कर ले यहां पर, तो इस थर्ड नंबर ऑक्सीजन पर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 है, उसके बाद जो उसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह भी यहां पर 6 है, फिर प्लस इसकी जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह 1 2 3 और 3 और सॉरी यहां पर 2 है, इस कंडीशन में 2/2 एक रह गए, तो यहां पर कितना आया 6 1 7 माइनस 6 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1, तीन की जो फॉर्मल चार्ज है वह रह गए -1 रह गए, और इसके पहले हमने तो बोला ही था कि यहां पास एक इलेक्ट्रॉन जब दिया इस कंडीशन में इसकी फॉर्मल चार्ज +1 रहा, यह लिया तो इस कंडीशन में इसकी फॉर्मल चार्ज -1 रहा, जो कि इसकी फार्मूला के अकॉर्डिंग +1 और -1 जो कि इनकी फॉर्मल चार्ज आया ही है। तो इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी निकाला जाता है, या इस मॉलिक्यूल्स की जो कि आवेश निकाला जाता है कि आखिर इस पर औपचारिक आवेश कौन से एटम पर कितना लगता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, चलिए फॉर्मल चार्ज नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह से HSO4 माइनस चार्ज है उनकी बात कर ले, अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो इसके लिस्ट स्ट्रक्चर जो कि सल्फर सेंटर पर है, ऑक्सीजन जो कि यहां पर 4 टाइम है और एक ऑक्सीजन के साथ जो कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इस ऑक्सीजन को इस तरह से लिख दे और एक ऑक्सीजन पर जो कि माइनस चार्ज लगा हुआ है इस तरह से लिख दे, तो यहां पर माइनस चार्ज इस पर लिख दे और यहां पर जो कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अगर इसी स्ट्रक्चर को इस तरह से लिखे
कि यह स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है। अगर थर्मल चार्जर निकालना है तो इस स्ट्रक्चर को इस तरह से लिखे, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इस तरह से ऑक्सीजन है और यहां पर जो कि हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन पर सल्फर पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 6 होता है, इस तरह से चलिए 6 रहा इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वह जो कि 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, इस पर भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह भी इस तरह से 6 ही होगा, यहां पर भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह 6 होगा। इन सभी में जो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सब में 6 रहा, हाइड्रोजन पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह 1 रहा। अगर इनके बात किया जाए तो यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ा हुआ है तब देखिए तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं रहा यहां पर, इनके साथ अगर जुड़ जाए और यहां से जुड़े और इसके साथ यह जुड़ जाए, यहां से ये जुड़े, तब इस कंडीशन में हो क्या रहा है। अगर इस सल्फर की बात करें तो सल्फर पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट करें ऑक्टेटोले का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। इस ऑक्सीजन की बात कर ले तो 1 2 3 4 5 6 7 है, इनकी बात करें तो इन पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, 2 4 5 6 7 8 6 है, 2 4 6 7 यहां पर भी है। अब करेगा क्या यहां से 8 और 2 10 है, तो देखो यह अपना इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दे, चलिए एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 रह गए, इसको भी दे दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर भी 8 हो गए। अब उस कंडीशन पर 8 हुआ इस पर इलेक्ट्रॉन और यहां पास जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो यहां पास एक जो कि यहां पर माइनस चार्ज तो लगा ही हुआ, तो चलिए यहां पास माइनस चार्ज भी एड कर दिए, या तो माइनस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को न देने के बजाय इसको दे दे तो यहां पास माइनस चार्ज कर दे और यहां पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा दे। तब इस कंडीशन में इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है, यह जो कि लो चार्ज वाला स्ट्रक्चर है या फॉर्मल चार्ज वाला स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर की अगर फॉर्मल चार्ज निकाला जाए कि क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि इस कंपाउंड में जो सल्फर है उसकी जो फॉर्मल चार्ज है वह क्या होगा, तो बताते हैं यहां पर सल्फर की फॉर्मल चार्ज। देखिए जो सल्फर है यह इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को जो कि डोनेट किया था, इस कंडीशन में देखा जाए तो सल्फर पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह टोटल 6 होता है, माइनस उसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो सल्फर पर एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद अगर देखें यहां पास तो यहां से प्लस जेड यानी कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि यहां पास 4 2 8 इसकी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बटा 2। उसके बाद अगर इनकी फॉर्मल चार्ज निकाल ले तो यहां से जो कि 6 माइनस अगर इनकी बात कर ले तो 0 प्लस 4 रह जाता है, तो इसकी जो फॉर्मल चार्ज है वह जो कि +2 आ जाता है। तो इस तरह से सल्फर के जो कि +2 फॉर्मल चार्ज आता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल, थर्ड नंबर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मल चार्ज की बात करें तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड में सभी एटम की फॉर्मल चार्ज की बात कर लेते हैं। यहां पर सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरह से लिखा जाता है, यह जो कि उसकी लुईस स्ट्रक्चर, यहां पर एक हाइड्रोजन है इस जगह में भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास जो कि डबल बॉन्डेड रह जाता है, यहां पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी 2 है, इसके पास अगर बात किया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, यहां पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 2 है, इनके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से 2 है, और यहां पास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और ये जो कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। अगर यहां से निकाले सबसे पहले अगर सल्फर की निकाल ले फॉर्मल चार्ज, तो देखिये सल्फर की फॉर्मल चार्ज क्या होगा, सल्फर पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वह 6 होता है, माइनस उसकी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इस पर 0 है। उसके बाद यहां से अगर माइनस माइनस प्लस कर ले तब उस कंडीशन पर जो कि यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 3 बॉन्ड 4 5 6, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, यहां पर 12 हो गया बटा 2, इस कंडीशन में इसके पास 6 है और 6 माइनस 6 जो कि फॉर्मल चार्ज इस सल्फर की, जो कि 6 माइनस 6 होने से सल्फर की जो फॉर्मल चार्ज है वह जो कि 0 आ जाता है। वैसे चलिए तो सल्फर करा ऑक्सीजन नंबर 1 2 3 4, तो इन दोनों ऑक्सीजन में सेम ही है, ये दोनों सेम है। चलिए फर्स्ट नंबर ऑक्सीजन की बात कर ले, इस तरह से ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट की बात कर ले, इसकी फॉर्मल चार्ज है, आखिर ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट की
कितना होगा? ऑक्सीजन फर्स्ट की फॉर्मल चाहिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो कि 6 होता है माइनस इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो 4 है, प्लस इसकी अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो 1 2 और 2 और 2 जो कि 4 अपॉन 2, तो इस कंडीशन में यहां पर 2 आ गया और 2 और 4 6 आ गया, इस कंडीशन में यहां पर 6 माइनस 6 इसकी भी जो फॉर्मल चार्ज है वह 0 रहा। इस वाले अगर बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन नंबर 2 की, तो यहां पर फॉर्मल चार्ज बात कर ले तो इस ऑक्सीजन पर जो कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 होता है माइनस इसकी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह जो कि 4 है, प्लस इस पर जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह भी यहां पर 2 2 और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 है, 4 बटा 2, इस कंडीशन में इस पर भी यहां से 2 आ गए और 2 और 2 4 6 और 6 माइनस 6 तो इस पर 6 माइनस 6 इज इक्वल टू यहां पास भी इस ऑक्सीजन की फॉर्मल चार्ज है जो कि 0 रहता है। सल्फर की बात करें फॉर्मल चार्ज 0 आए, ऑक्सीजन की फॉर्मल चार्ज 0 आए हैं, इस ऑक्सीजन की फॉर्मल चार्ज जो कि 0 आए हैं क्योंकि यहां से कोई एटम किसी भी एटम को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर अपना कोवेलेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट नहीं किया है, तब इसकी फॉर्मल चार्ज जो कि 0 रह गए। तो इस तरह से यह फॉर्मल चार्ज बताता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि आपस दो हैं, इन दोनों में फॉर्मल चार्ज की गणना करना है और इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा है स्ट्रक्चर स्टेबल उनके बारे में बताना है। तो देखिए अगर इस तरह से जो CH3 और OH है इसकी जो कि दो तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर देता है, एक यहां पर कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर यहां पर हाइड्रोजन। इसकी अगर वैलेंसी की बात करें तो इस तरह से इनकी वैलेंसी जो कि कार्बन की 8 है, यहां पास ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 4 6 2 8 है। इसकी अगर बात करें इनकी स्ट्रक्चर ऐसा ना रहकर, पहले तो यहां पास अगर बात करें तो कार्बन पर 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन पर 1 2 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहां पास 4 है। यह अगर वैलेंसी की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जो कि इस कार्बन को दे दिए हैं, तब इस दोनों में फॉर्मल चार्ज की गणना करना है और कौन ज्यादा स्टेबल है इनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले अगर इनकी आंसर की बात कर ले, यहां पास जो कार्बन है इसकी जो कि फॉर्मल चार्ज निकालते हैं और फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए जो कि फार्मूला भी लिखे x माइनस y यहां पास जो कि प्लस जेड 2 लिख सकते हैं। यह जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यह जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यहां पास जो यह है वह बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 है। देखिए आप कार्बन की अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकाल ले इस तरह से, कार्बन की फॉर्मल चार्ज निकाले तो कार्बन की जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वह जो कि 4 होता है, माइनस इस कार्बन पर अगर देखा जाए तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 0 है और उसके बाद इसकी जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 4 6 8 है, तो 8 बटा 2 आ जाएगा। इनको अगर गुणा भाग करे तो यहां पर 4 आ जाए और 4 माइनस 4 है यहां पर दिए गए हैं, इसका मतलब इसकी फॉर्मल चार्ज जो कि 0 आए हुए हैं। वैसे ही अगर बात कर ले इस ऑक्सीजन की बात कर ले तो ऑक्सीजन की अगर फॉर्मल चार्ज निकाले तो ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, माइनस ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4 है यहां पर, प्लस ऑक्सीजन पर जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर 4 है बटा 2 2 यहां पर। तो इस तरह से इसकी जो फॉर्मल चार्ज है यहां से जो कि इनका आंसर यहां पर 2 है और इन दोनों को 2 और 4 6 और 6 माइनस 6 इज इक्वल टू इनकी फॉर्मल चार्ज भी 0 है। वैसे इस कार्बन पर जो उपस्थित हाइड्रोजन है इसकी अगर फॉर्मल चार्ज की बात कर ले तो हाइड्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि 1 होता है, माइनस इस ऑक्सीजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 0 है, प्लस इस पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 है बटा 2 यानी कि यहां पास 1 आ गए और 1 माइनस 1 यानी कि यहां पास भी फॉर्मल चार्ज जो कि 0 आया हुआ है। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन की बात कर लेते हैं, तो कार्बन की अगर देखा जाए फॉर्मल चार्ज तो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि 4 होता है, माइनस इस पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 2 है, उसके बाद इस पर अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 4 6 है और 6 बटा 2 इस तरह से यहां पर 3 आ गए, 3 2 5 और यहां पर
गड्ढा चार के साथ, तो इस कंडीशन में इसकी जो फॉर्मल चार्ज है वह जो कि चार माइनस पांच है, इस कंडीशन में इसकी फॉर्मल चार्ज है जो कि माइनस वन है। वैसे ही ऑक्सीजन की अगर फॉर्मल चार्ज की बात कर ले तो ऑक्सीजन पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वह जो कि छह होता है, और उसके बाद उस ऑक्सीजन पर जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर दो है, प्लस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन छह है, छह बटा दो, इस तरह से यहां पर तीन आ गए हैं, तीन दो पांच, और यहां पर छह के साथ घट गए। इस कंडीशन में इसकी जो फॉर्मल चार्ज है वह प्लस वन आता है। वैसे ही इस कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन के बारे में देख ले फॉर्मल चार्ज, तो हाइड्रोजन की अगर बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन होता है। उसके बाद इसकी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि जीरो है, प्लस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो है, तो दो बटा दो यहां पर आ गए एक, एक माइनस एक इज इक्वल टू जीरो। अगर देखा जाए इस कार्बन के अकॉर्डिंग तो इस कार्बन में जो कि जीरो फॉर्मल चार्ज आए, इस पर जो कि माइनस वन आए हैं, तो इस कंडीशन में यह जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वह ज्यादा स्टेबल फॉर्म बनाता है, क्योंकि इसके कार्बन में जो कि जीरो फॉर्मल चार्ज आता है और इसके कार्बन पर जो कि माइनस चार्ज आता है। एक और बात है, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के कंपेयर देखा जाए तो ऑक्सीजन जो कि नेगेटिविटी चार्ज होता है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन जो कि पॉजिटिविटी चार्ज है। कार्बन की बात कर ले तो कार्बन यहां पर नेगेटिविटी चार्ज है, इस पर जीरो है। ऑक्सीजन की बात कर ले तो इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बल्कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी आ गई। तब इस कंडीशन में यह जो कि लेस स्टेबल होता है और यह जो कि मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस तरह से जो कि फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।